नमस्कार रक्तदान करके देखिए अच्छा लगेगा रक्तदान क्यों करना ज़रूरी है ये जीवनदान क्यों है किन बातों का ध्यान रखें आज के अंक में हम बातचीत करेंगे आज की तारीख महत्वपूर्ण है 17 सितंबर 2022 आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है हम प्रधानमंत्री जी को आज के दिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं देशवासियों ने और बहुत से लोगों ने ट्वीट संदेश में उन्हें बधाई दी है बात अगर माननीय राष्ट्रपति की करें तो द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री जी को बधाई दी उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण का अभियान आपके नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे मेरी शुभेच्छा है कि ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु बनाए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी आज़ादी के बाद पहली बार करोड़ों गरीबों को उनका अधिकार देकर मोदी जी ने उनमें आशा और विश्वास का भाव जगाया है माननीय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल एवं युवा मामलों मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री को एक भारत श्रेष्ठ भारत का शिल्पकार बताया उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य अनवरत ऊर्जा प्रवाह एवं शतायु व सुखी जीवन की कामना करता हूं रक्तदान की आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज से ही मेगा नेशनल ब्लड डोनेशन ड्राइव का भी शुभारंभ हुआ है और इस विषय पर बातचीत के लिए यहाँ दूरदर्शन के दिल्ली स्टूडियोज़ में मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं आइए उनका परिचय आपसे कर रहा स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर किरण चौधरी का नमस्कार चीफ मेडिकल ऑफिसर ब्लड सेंटर डॉक्टर आर एम अस्पताल दिल्ली से साथ ही डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ हैं नमस्कार एडिशनल डीडीजी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो आपको भी आज के दिन की शुभकामनाएं तो डॉक्टर किरण सबसे पहले तो हम सभी को बताइए कि मानव शरीर में ब्लड की क्या भूमिका रहती है ब्लड आमतौर पे आप ये समझिए कि ये लाइफलाइन है हमारा जी। और हमारे पूरे शरीर के अंदर हमारी आर्टरीज़ और वेंस में ये ब्लड घूमता रहता है और इसे हम बोलते हैं कि इसमें कोशिकाएं होती हैं रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में एक एक अंग तक पहुँचाती हैं और इसी तरह जो चीज़ें शरीर को निकालना है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें लंग से बाहर करना है उसको भी वो पूरे शरीर से घुमाकर लेकर और फिर वो लंग्स तक पहुंचाती हैं तो बेसिकली हमारे शरीर में खून का यही काम है जी तो फिर ब्लड डोनेशन क्यों जरूरी है किसको करना है ब्लड डोनेट बेसिकली ब्लड जो है किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है जी. कहीं पे उसको कोई मतलब अभी तक ब्लड का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो ब्लड को रिप्लेस कर सके अच्छा। और ब्लड कोई एक जना देगा तो ही किसी दूसरे को ब्लड मिलेगा और वो दूसरा कौन है जिसे ज़रूरत होती है ज़रूरत जिन जिनको ब्लड की हो सकती है जो एक्सीडेंटल केसेस अच्छा। होते हैं जो अब हमारे देश में लगभग डेढ़ लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स की डेथ होती है हर साल तो जो रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं उन सर सर्ज, सारे सर्जिकल जो प्रोसीजर्स हैं सब में ब्लड की जरूरत पड़ती है उसके अलावा जो डिलीवरीज होती हैं जो महिलाओं की जो जब भी प्रसूति का जो होता है तो उसमें भी ब्लड की जरूरत पड़ती है जो बहुत सारे जो बच्चे थैलेसीमिया के सेल एनीमिया के जो मतलब जिनको की रेगुलर ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है तो उस तरह की भी तो एनीमिया के केसेस हमारे देश में बहुत हैं उन केसेस में भी बहुत सारे ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड की आवश्यकता हमेशा रहती है तो फिर कौन डोनेट कर सकता है ब्लड ब्लड डोनेशन मैं तो ये बोलूंगी कि सारे लोग कर सकते हैं अच्छा। और इसमें एक आयु निर्धारित की गई है अठारह साल से पैंसठ साल की अच्छा। उम्र तक जो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं वो आए और ब्लड डोनेट करें और उनका वज़न 45 फाइव से ऊपर होना चाहिए और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए आ, तो वो किसी भी रक्तदान केंद्र में जाएं और वहाँ पे वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं वहाँ डॉक्टर्स होते हैं जो ये उनका मेडिकल चेकअप करके बताएंगे कि आप फिट हैं या अनफिट हैं जी तो डॉक्टर अनिल अगर हम सालाना आपसे पूछें कितने ब्लड के यूनिट्स भारत में कलेक्ट हो जाते हैं और क्या फिर एक शॉर्टफॉल रहता है बेसिकली हम लोग जो हमारे जो देश में पूरे ब्लड की जो रिक्वायरमेंट जो हमने एस्टिमेट की है कि कितनी ज़रूरत होती है तो लगभग 1.46 मतलब एक दशमलव चार छः करोड़ यूनिट्स हमें हर साल आना ब्लड की ज़रूरत होती है अच्छा और जिसमें लगभग एक पॉइंट दो पाँच करोड़ ही हम आ, आ, मतलब हमें मिल पाता है और उसमें भी रिप्लेसमेंट डोनेशन यानी कि ब्लड के बदले में दूसरा कोई ब्लड दे रहा है अच्छा तो उस ब्लड को की काफी परसेंटेज रहती है तो हमारा प्रयास ये है कि इस ये जो मुहिम हम चला रहे हैं जी। जो मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव जो आज एक चलाया गया और जो कि अभी एक अक्टूबर तक चौदह दिन का ये चलेगा तो उसके माध्यम से हमें हमारा मेन मकसद वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन को बढ़ाना है जो कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आए तो ऐसे डोनर्स की हमें ज़रूरत है जी और आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हमने देखा स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मौजूद थे और उन्होंने भी रक्तदान किया जी हाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ही ये पूरी मुहिम को आ, मतलब सुपरवाइज किया है और ये पिछले कई दिनों से वो रोज़ मतलब इस मुहिम को और उनके ही अथक प्रयासों से और हम लोग उन्हीं के गाइडेंस में काम कर रहे हैं और सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जाकर उन्होंने रक्तदान किया जी उम्मीद करते हैं कि अब जब स्वास्थ्य मंत्री ने वहां रक्तदान किया हम सभी प्रेरित होंगे कि हम भी अपना रोल निभाएं तो जो आंकड़े डॉक्टर साहब ने बताए थे 1.46 करोड़ सालाना यूनिट्स चाहिए और 1.25 करोड़ ही ब्लड जमा हो पाता है तो यानी 21 लाख की शॉर्टफॉल है, है। आप क्या अपील करेंगे खासतौर पे जो युवा आज का कार्यक्रम देख रहे हैं ये चुनौती तो हम पूरी कर सकते हैं जी बिल्कुल कर सकते हैं लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में लेकिन जैसे आपने शुरुआत की करके देखो अच्छा लगता हाँ। है एक बार तो करके देखना चाहिए और फिर पता चलेगा कि हाँ आपको कितनी अच्छी अनुभूति होती है कि आपने तीन तीन लोगों की जान बचाई अपने एक इकाई रक्त से अच्छा जी सो आ, मैं यही अपील करूंगी कि युवा जो भी युवा या जिन जो लोग पैंसठ साल के उम्र तक हैं वो जरूर रक्तदान केंद्र अपने पास के रक्तदान केंद्र में जाएं और एक बार वो रजिस्टर हों एज अ डोनर वो प्रयास करें डोनर जो रजिस्टर करना चाहे उसका क्या फ़ायदा है और कौन से वो दो एवेन्यूज हैं डॉक्टर साहब डोनर के डाटा का मतलब होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास डोनर्स कहाँ पे अब उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा रहनी चाहिए तो अभी एक सरकार के प्रयासों से बेसिकली हम लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप जो कि बड़ी पॉपुलर ऐप है और कोरोना के दौरान बड़ी काम आई जी। तो उस ऐप के जरिए वो ऑलमोस्ट अभी सभी के मोबाइल्स में उपलब्ध है और उस ऐप पे आप जाकर के रक्तदान अमृत महोत्सव जो ये मनाया गया तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और वो फैसिलिटी आरोग्य सेतु ऐप अब उपलब्ध कर दी गई है तो जब आप रजिस्टर करते एक छोटा सा फॉर्म आपको भरना पड़ता है और आपको ब्लड डोनेशन कैंप्स की इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी कहाँ पे कैंप्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और आप जा कर के कैंप भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा एक ई रक्त कोश पोर्टल है वो भी भारत सरकार से ही द्वारा संचालित है तो उस ई रक्त कोश पोर्टल पे भी आप जा कर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपने कैंप में जा कर के डोनेशन कर सकते हैं यानी कि हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं दो एवेन्यूज हैं आपके पास या तो आप आरोग्य सेतु ऐप पर चले जाएं या फिर ई रक्त कोश का जो ऐप है या जो पोर्टल है ई रक्त कोश डॉट इन वहाँ जा सकते हैं ये देखिए ये नोट भी कर लीजिए आप ई रक्त कोश डॉट इन इस पर आप जा सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाएंगे अगर मोबाइल के तो ई रक्त कोश का ऐप भी है जिसे डाउनलोड कर सकते हैं और आरोग्य सेतु तो यकीन जब कोविड महामारी आई तो बहुत सहायता मिली हमें आसानी से आप जाकर उस पर जिस तरह से वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते थे ऐसे ही अब ब्लड डोनेशन से जुड़े दस्तावेज़ आप डाउनलोड कर पाएंगे डॉक्टर साहब ई रक्त कोश के बारे में थोड़ा और बताइए जैसे आप डॉक्टर रामनौर लोहिया अस्पताल में ब्लड सेंटर की चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं तो क्या आपका ब्लड सेंटर भी अब ई रक्त कोष पर होगा जी हम लोगों की ये जो स्पेशल अभियान चला था आज के लिए सत्रह तारीख़ के लिए तो हम लोगों को उस पर रजिस्टर करना था और रजिस्टर करने के बाद हमें लिंक्स प्रोवाइड की गई थी तो हमारे सेंटर पे जितने डोनर्स आएंगे उन्हें भी ये दिखेगा कि आरएमएल ब्लड ब्लड सेंटर में मैं जाके दे सकता हूँ अच्छा वो जो आएंगे उनको हम फिर एज वॉलेंट्री डोनर रजिस्टर कर पाए और उनका ब्लड ले पाए Hmm. तो आज के पूरे दिन ये अभियान चला अच्छा। और बहुत सक्सेसफुली चला हम अच्छा। लोगों ने दो सेंटर चलाया अच्छा। एक बीजेपी हेडक्वार्टर जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में है वहाँ पे भी चला और वहाँ से भी रियल टाइम अच्छा। सारे डोनर्स की रजिस्ट्री हुई hmm. और वो डेटा फाइनली फिर मिनिस्ट्री के पास पहुँच गया और वो मिनिस्ट्री मॉनिटर कर रही है इसी तरह हिंदुस्तान भर से

परिवार वाले को या दोस्त को उसके बदले में ब्लड देना पड़ता है अमूमन हम यही करते हैं जब कोई इमरजेंसी आती ज, है। जब भी इमरजेंसी आती है तो आजकल के समाज में हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं और सपोज़ अननोन कोई एक्सीडेंटल एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे और उसको लेकर के एकदम अस्पताल जाना पड़ता है तो उसका वहाँ कोई रिलेटिव भी उपलब्ध नहीं होता तो उसको एकदम से बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड जब तक कि वॉलेंट्रिली जो जो स्वेच्छा से आगे आके जो रक्त दान कर रहे हैं जब तक वो ब्लड उपलब्ध नहीं होगा तो रक्त उपलब्ध नहीं होगा तो तो हम लोग उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्लड कहीं से और से तो मिलता नहीं है वो दूसरे कोई डोनेट करता है तो उसी से ही हम लोग कर पाते हैं तो इसमें हमारा जो इसमें जो अभियान है इसका मेन मकसद यही है कि रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट को कम करना और हंड्रेड परसेंट लोग जो हैं मतलब हम स्वेच्छा से जो रक्तदान करते हैं उसी को हम हंड्रेड परसेंट कर पाए और क्योंकि हमारे हमारी ये एक कल्चर रही है ये बेसिकली हमारे हिंदुस्तान की एक कल्चर है कि हम लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं हमारे सारे देशवासियों में एक एक सबके अंदर ये भावना है तो उस भावना को हम आगे करते हुए और इसको कल्चर को बढ़ाते हुए ये रक्तदान को बढ़ावा देना जी, चाहिए हम तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि कैसे जब रक्तदान होता है तो आपका जो हाथ है वहाँ ऐसे रखते हैं और हाथ में बॉल भी देते हैं कई लोग डॉक्टर किरण सुई लगाने से बड़े डरते हैं उनको लगता है पता नहीं ब्लड डोनेट करने की प्रक्रिया कितनी कठिन होगी कठिन है कि सरल है बहुत ही सरल प्रक्रिया है टोटल टाइम मुश्किल से दस मिनट लगता अच्छा। है इसके पहले आजकल ये सुविधाएं उपलब्ध हैं कि एक काउंसलर होती होता है या होती है ब्लड बैंक के अंदर वो डोनर के साथ बातचीत करके उसे पूरे स्टेप्स समझाए जाते हैं कि उनके साथ क्या होगा और उनके साथ बातचीत करके वो ये भी जानने का कोशिश करती हैं कि ऐसे कोई रोग से तो वो ग्रस्त नहीं हैं जो ब्लड के द्वारा ट्रांस ट्रांसमिसिबल अच्छा, अच्छा। जैसे हम लोग ने एच आई वी एच बी वी एच सी वी और मलेरिया ऐसी वाली जो भी बीमारियां होती हैं वो रक्त के द्वारा डोनर से रेसिपियंट को अच्छा। या जिनको मिलता है जा सकती हैं अच्छा। उसकी जांचें होती हैं लेकिन काउंसलर का मेन यही काम होता है कि वो वॉलेंट्री डोनर से बातचीत करें और उससे पूरी अच्छी तरह हिस्ट्री लें और उसे सारे स्टेप समझाए, उसे बताए ये सिर्फ दस मिनट लगते हैं इसके बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है और आपको फिर वापस आना है तो एक तरह से हम डोनर को तैयार कर देते हैं तो डोनर के क्या कोई टेस्ट भी कराते हैं फिर आप ये जब शुरू में तो मैंने जैसे कहा हीमोग्लोबिन अच्छा। की जांच होती है ब्लड ग्रुप की जांच होती है और जो रेगुलर अच्छा। uh, स्वैच्छिक रक्तदाता जो रेगुलरली आके हमारे पास देते हैं उन्हें अपना ब्लड ग्रुप भी पता रहता है, है। और वो अपनी सेहत के प्रति बहुत जागरूक होते हैं है। तो उनका ब्लड जब हम ले लेते हैं किसी भी डोनर का ब्लड ले लेते हैं उसके बाद हम जाँचें करते हैं जिन्हें हम ट्रांसमिसब ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिसबल इन्फेक्शन डोनर को बहुत फायदा हो गया कि अगर खुद ना खासा मुझे कोई बीमारी है तो जब मैं ब्लड डोनेट करने जाता हूँ मुझे पता लग जाएगा समय रहते फायदा इन द सेंस कि हम फिर उस डोनर को बुलाते हैं काउंसिल करते हैं और डिफरेंट और सेंटर्स में भेज देते हैं जैसे अगर हेपेटाइटिस है okay. तो हेपेटाइटिस के स्पेशलिस्ट अच्छा। के पास भेजते हैं एच है तो वी okay. भेजते हैं Uh, कोई एस से ग्रस्त है तो एस क्लिनिक भेजते हैं इस मामले में तो उनका फायदा होता ही है और जागरूकता बढ़ती है अपनी सेहत के प्रति वो और ज्यादा जागरूक हो जाते हैं अपने को हेल्दी रखते जी। हैं जी। क्योंकि उन्हें फिर आना है ये तो चस्का है ना एक बार अगर ब्लड दिया तो फिर वो बार बार आके फिर कर सकते हैं अगर मेल्स हैं तो वो तीसरे महीने में और फीमेल्स हैं तो वो चौथे महीने में और हम लोग ये एनकरेज करते हैं क्योंकि हमारी आबादी इतनी है हम ये एनकरेज करते हैं कि आप साल में एक ही दिन आओ अपनी एनिवर्सरी अच्छा। पे आ जाओ अच्छा। अपने बच्चे के बर्थडे पे आ जाओ और एक रूटीन सा बना लो और आप आप साल भर मस्त रहो उसके बाद है ना उससे ही काफी ब्लड आ जाएगा हम लोगों के पास आ, और हमें कोई कमी नहीं हो और बहुत से लोग ऐसी परंपरा फॉलो भी करते हैं कि जब उनका जन्मदिन आता है या कोई वर्षगांठ आती है तो वो जाते हैं और हम उनके लिए ताली हुए जाते हैं उनको सलाम करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब ब्लड सेफ्टी पर मैं चाहूँगा आप थोड़ा गाइड करें और क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को भी देखते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज के मद्देनजर आम जनता किन बातों को लेकर सजग रहे इसमें यह होता है कि जब भी हम रिप्लेसमेंट डोनेशन की के, के लिए पूछा जाता है तो अगर वो उसके परिवार में कोई ब्लड देने वाला नहीं है तो वो क्या करता है कि वो इधर उधर से ब्लड को खोजने की कोशिश करता है ठीक है हालांकि ब्लड का कोई भी लेन देन नहीं हो सकता ब्लड जो है सेलेबल आइटम नहीं है कानूनी जुर्म तो ये है अगर आप ब्लड को खरीदते हो किसी से किसी आदमी से तो लेकिन फिर भी अगर वो कहीं से खरीदने की कोशिश करता है कुछ लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि वो ब्लड बेच की जैसे ऐसी संभावना रहती है तो उसमें ऐसे जो लोगों से जो ब्लड दिया जाता है जो अनहेल्दी भी हो सकते हैं जो कि जो इस तरह से जो ब्लड कई बार ड्रेड एडिक्शन वाले लोग इस तरह की कोशिश में रहते हैं तो उनसे बीमारियां फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है कि ब्लड जो है वो इस तरह का ब्लड जो है वो बीमारियां फैला सकता है तो हमेशा जो स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं और उसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री नॉन रिम्यूनरेटेड जो कि अपने खर्चे से बेसिकली उसको उसको कोई हम उसमें मेहनताना भी नहीं दे रहे हैं तो ए, उसको बोलते हैं कि स्वैच्छिक स्वैच्छिक नॉन रिमोरेटेड अवैतनिक अवैतनिक अच्छा, ब्लड डोनेशन को हम प्रमोट करते हैं और आज का जो अभियान हुआ है वो पूरा बहुत भव्य अभियान हुआ है और पूरे देश में सारे राज्य पार्टिसिपेट किया है और सभी ब्लड बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत बढ़िया नेटवर्क हमारा एक बन गया है आज के अभियान से जी। तो ये जो है आगे भी और हमारे लिए एक रिपोजिटरी तैयार हो गई है जो वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स के लिए जो आगे आए हैं आज के अभियान में तो उनका एक पूरा डाटा बेस बन गया है और ये लोग हमें पूरी इसमें संभावना है कि ये लोग आगे भी आगे आएंगे और आगे भी डोनेट करेंगे तो हमें राउंड द ईयर जो है हमारे यहाँ कभी कमी नहीं होनी चाहिए तो एक स्वैच्छिक जो हम एक जो मुहिम हम चला रहे हैं कि हर ब्लड जो है वो स्वेच्छा से दिया हुआ ब्लड ही हम आगे लोगों को पेशेंट्स को देते हैं यानी दो विशेषण जुड़ गए ब्लड डोनेशन से पहले एक तो है स्वैच्छिक वॉलेंट्री और दूसरा है अवैतनिक यानी नॉन रेमरेटिव यानी बिना किसी पैसे लोभ लालच के आप आगे आइए और मानवता से जुड़ा ये पुनीत कार्य करिए अब अगर कोई आगे आता है तो उसको ब्लड कितना है शरीर में ये भी जरूरी है पता होना तो मानव शरीर में कितना ब्लड होता है और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एक यूनिट में कितना आप ब्लड लेते हैं फिर मानव शरीर में नॉर्मली पाँच से छह लीटर ब्लड होता है और हम डोनर से जितना लेते हैं वो वो बहुत ही छोटी कम मात्रा में लेते हैं क्योंकि हमें डोनर को बीमार तो नहीं करना <laughs> है ना डोनर को हेल्दी रखना yes. है क्योंकि वो फिर आए हमारे पास तो हम लोग थ्री फिफ्टी मिली लीटर या फोर फिफ्टी मिली लीटर अच्छा, ब्लड लेते हैं अच्छा, इससे ज्यादा नहीं लेते और इसमें कोई हानि नहीं कोई नुकसान नहीं होता है डोनर का क्योंकि ब्लड बनता रहता है शरीर में तो ये फिर बनता रहता है और वो फिर तीसरे महीने में आकर देने के लिए वो फिट रहते हैं जी और ब्लड की भी लाइफ होती है ये आपको थोड़ा हैरत लगेगी कि जो ब्लड लिया गया है उसकी भी लाइफ है ब्लड के भी अलग कंपोनेंट्स हैं मैं जरूर पूछूंगा डॉक्टर किरण और डॉक्टर अनिल से लेकिन फिलहाल चलिए हम सुनते हैं नीरज चोपड़ा को जी हाँ टोक्यो ओलंपिक्स में आपने भारत को एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो के साथ गोल्ड मेडल दिलाया था देखिए किस तरह से ब्लड डोनेशन के प्रति सजग है नीरज सभी को नमस्ते मैं नीरज चोपड़ा आप सभी को बताना चाहता हूं कि 17 सितंबर को पूरे देश में मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव होने जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो आप सभी रक्तदान करें किसी के जीवन का जरिया बने क्योंकि रक्तदान के लिए कोई धन या ताकत की ज़रूरत नहीं है उसमें आपका बड़ा दिल और मुक्त मन होना चाहिए तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि अपने अस्तित्व से किसी के अस्तित्व का निर्माण करें और सत्रह सितंबर को रक्तदान करें थैंक यू जय हिंद एक बार फिर कहूंगा रक्तदान कीजिए अच्छा लगेगा शब्दों में बयां करना मुश्किल है क्योंकि ये तो एक एहसास है अनुभव है और डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि एक नहीं तीन तीन लाइव्स को आप बचा सकते हैं तीन लाइव्स को बचा सकते हैं उसे हम कंपोनेंट्स बोलते हैं अच्छा तो वन यूनिट या एक इकाई रक्त से हम तीन कॉम्पोनेंट बना लेते हैं तो इसी तरीके से तीन लोगों की जाने बच जाती हैं उसमें एक रेड सेल्स होता है एक प्लेटलेट्स होता है एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है तो इन तीनों की जिनको जिस मरीज को जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है वही डेंगू के वक्त हम प्लेटलेट्स बहुत सुनते हैं जी जी तो प्लेटलेट्स डेंगू में और बहुत सारी बीमारियों में ब्लड की भी लाइफ है इन तीनों की बिल्कुल लाइफ है इनकी इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ की स्वैच्छिक रक्तदान रिपीटेड भी होना चाहिए क्योंकि इनका शेल्फ लाइफ होता है जैसे हम लोग मेडिसिन और ड्रग्स देखते हैं ना उनका एक लाइफ होता है उसके बाद फिर हम यूज नहीं कर सकते okay. तो ब्लड भी ड्रग एक ब्लड एक ड्रग है ही तो ब्लड क्योंकि वो ड्रग की तरह एक ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है इसीलिए वो ड्रग है Uh, तो जैसे रेड सेल्स हैं वो हम लोग थर्टी फाइव डेज या फोर्टी टू डेज के लिए रख सकते हैं अच्छा, प्लेटलेट अप टू फाइव डेज के लिए रख अच्छा, सकते हैं

जो okay. उसका तरल पार्ट होता, होता है जो येलो रंग का होता है जो येलो येलोइश रंग का होता है जी जी लेकिन दे, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है तो जैसे आप यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में हैं डायरेक्टर जनरल में तो आप राज्यों के साथ कैसे समन्वय करते हैं और आज ड्राइव में कैसे है स्टेट्स का पार्टिसिपेशन रहा इसमें हर राज्य में एक स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल होती है और एक ब्लड सेल भी हर राज्य में है अच्छा। तो ये इस ब्लड के मामले में केंद्र स्वास्थ्य केंद्र सरकार ही बेसिकली ब्लड को जो सब जगह जो सपोर्ट देते हैं हम लोग सारे राज्यों को अच्छा। तो ब्लड बैंक इसमें एनएचएम के माध्यम से भी हम सपोर्ट दी जाती है नेशनल तो हेल्थ मिशन के माध्यम से उसमें हम लोग जो है उनको नए ब्लड बैंक्स बनाने में इक्विपमेंट खरीदने में तो उस चीज उस में एनएचएम के माध्यम से दी जाती है प्लस जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज का कार्यक्रम है उसमें हर राज्य में लगभग 1100 से ज़्यादा ब्लड बैंक्स हैं जिनको कि भारत सरकार ही उनके जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है जो उनके अंदर okay. लोग काम कर रहे हैं प्लस okay. जो आ, किट्स चाहिए ब्लड बैग्स चाहिए okay. प्लस जो आ, वहाँ पर टेस्टिंग के लिए जो किट्स चाहिए okay. तो वो सब भारत सरकार ही उनको उसका पैसा देती है तो इसमें गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स को भारत सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है और जो ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह करवा रहे हैं तो उसमें भी भारत सरकार एक पैसा देती है हालांकि तो राज्य सरकार के जो ऑफिसर्स हैं इन सबको सुपरवाइज करते हैं तो एक तरह से राज्यों के साथ में मिलकर कर कर ही, ही हम लोग काम कर रहे हैं और लगभग चार हजार ब्लड बैंक्स हैं हमारे देश में जिनका कि एक नेटवर्क अब पूरा मतलब हम लोग उसको कंप्यूटर पे मतलब एक एक पोर्टल पे ला पाए हैं सारे ब्लड को तो इस मुहिम का सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा एक पूरा जो नेटवर्क हम जो सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक पूरा हो तो कभी हम ब्लड बैंक कहते हैं कभी ब्लड सेंटर हम अगर कहें अब आने वाले समय में तो एक तरह से नाम में फेर बदल है कि ब्लड सेंटर यूज करें यहाँ से ज्यादा हो गया है ये और हमें ब्लड सेंटर ही बोलना चाहिए बैंक से कई लोग सोचते हैं कि वो जो बैंक है जहाँ हम पैसे जमा करने जाते हैं वो पुश दर पुश तो पैसे जमा रहेंगे ऐसा नहीं है इसका शेल्फ लाइफ शॉर्ट है हम रख नहीं सकते जैसे बैंकों में हम नोट रखते हैं ना वैसा हम रख नहीं सकते तो इसीलिए ब्लड सेंटर उचित आ, शब्द है बिल्कुल उचित शब्द ब्लड सेंटर ही है लेकिन कॉमन भाषा में लोगों को अभी भी ब्लड बैंक, बैंक है। ही है। तो हम आप यह आग्रह करेंगे कि धीरे-धीरे हम सभी ब्लड सेंटर, सेंटर, सेंटर कहें और लोग कंफ्यूज भी ना हो ही। ही। कि ब्लड बैंक ही ब्लड सेंटर है और शायद सेंटर बेहतर वर्ड है तो देश में इस समय कितने ब्लड सेंटर्स हैं 4000 के करीब ब्लड सेंटर्स हैं जैसा कि अभी डॉक्टर अनिल ने भी कहा की आबादी दूर दराज के इलाके में अगर हमारे किसी देशवासी को ब्लड चाहिए तो कैसे सुनिश्चित करते हैं कि समय रहते ब्लड पहुंच जाए जो दूर दराज के इलाके उनमें ब्लड स्थ, बैंक स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे ब्लड स्टोरेज यूनिट्स बनाई जाती हैं अच्छा तो वो ब्लड जो ब्लड बैंक में जो ब्लड इकट्ठा किया जाता है जो डोनेट होता है तो उनको ब्लड स्टोरेज यूनिट्स तक पहुंचाया जाता है और भारत सरकार उसमें भी सहायता करती है कि भारत सरकार ने बहुत सारी वैन्स जो हैं राज्य सरकारों को दी हुई हैं जो अच्छा। कि रेफ्रिजरेटेड वैन्स होती हैं अच्छा और उनसे वो ब्लड जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है तो दूर दराज तक हम लोग जो है ब्लड पहुंचाते हैं उसमें कोई मतलब वो पूरा उनकी प्रायोरिटी रहती है लेकिन वहाँ पे स्टोरेज यूनिट्स ज़्यादा एस्टेब्लिश की जाती हैं। तो डॉक्टर किरण मान लीजिए आज जिस तरह से आप दोनों ने ही समझाया है सरलता से और कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि भाई अब कल सुबह मैं जाऊँगा और रजिस्टर करके मैं भी डोनेट करूंगा तो जब उसने डोनेट कर दिया उसके बाद उसे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए तो जब वो ब्लड डोनेट कर देते हैं ये हम उन्हें रिफ्रेशमेंट देते हैं अच्छा रिफ्रेशमेंट देते हैं क्योंकि एक तरीके से हम आभार प्रकट कर रहे हैं और उनको उस समय हाफ एन आवर तक अपने ब्लड बैंक के प्रमाइसिस में बैठा के रखते हैं अच्छा। कि इन केस कोई एडवर्स रिएक्शन होता है डोनर को आ, कई बार कई डोनर्स कंप्लेन करते हैं कि चक्कर सा आ गया अच्छा तो ह, हमारे सुपरविजन में वो रहते हैं और हम उन्हें यही समझाते हैं कि अगर आपको ऐसा गिडीनेसकर चक्कर सा फील हो तो आप तुरंत लेट जाए फिर हम जो कार्ड इशू करते हैं उनको उस पर हमारे ब्लड बैंक का कांटेक्ट डिटेल्स रहता अच्छा। है और वो इमीडिएटली फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं आ, हाफ एन आवर तक हम कहते हैं ड्राइविंग मत करिए आप अल्कोहल अवॉइड करिए आप किसी को साथ में लेके आइए अच्छा ब्लड बैंक जब जब भी आप ब्लड अच्छा। देते हैं तो जब आप वापस जा रहे हैं आपके साथ कोई रहे वो बेटर है और जनरली हमने ये देखा है कि एडवर्स रिएक्शंस बहुत कम होती हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है

रिप्लेसमेंट की बजाय भी हम वॉल्ट्री कोशिश करें फिर आपने कहा था नॉन रेव्यूटिव और तीसरा आपने जोड़ दिया था रेपिटेटिव तो जैसे हम लोग कहते हैं रक्तदान महादान और यहाँ पर भी हम बाकी स्लोगन पढ़ सकते हैं कि लेट्स क्रिएट ब्लड रिलेशंस तो ये जो मीठा एहसास है जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा ब्लड डोनेट करके ये बड़ा अच्छा लगता है बहुत अनुभूति बहुत अच्छी होती है कि हमने किसी की मदद की और एक आदमी की नहीं हम तीन लोगों की मदद कर रहे हैं और इसमें इसमें सभी को जोड़ना चाहिए और सभी क्योंकि ये एक सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है हमारे पूरे समाज को जोड़ता है ब्लड डोनेशन तो ये जो है एक, एक तरह का जो एफर्ट किया गया सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया सभी को उस प्रयास में सम्मिलित होना चाहिए और इस प्रयास में सम्मिलित होकर हमें इस अभियान को मतलब आगे बढ़ाना है और जिससे कि हमारे देश में वॉलेंट्री जो स्वैच्छिक हम रक्त रग्दा, रक्तदान की बात करते हैं और स्वैच्छिक रक्तदान से ही हम अपने सभी जो जिनकी भी ब्लड की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर पाए और जिससे कि हमें कभी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ना पड़े तो यही इस अभियान का मेन मकसद है और ये, मतलब ये पूरा एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में तो उस तरह से सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक है और इसमें आ, पूरी कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रहा है और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस अभियान में जुड़ी हैं स्पेशली आ, अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद सेवा जी। ही संगठन तो और भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो इस अभियान में जुड़ी हैं और ये अभियान बहुत सक्सेसफुल रहा बहुत सफल रहा है आज का अभियान और ये अभी आगे भी बढ़ेगा तो बिल्कुल हम तो चाहेंगे आगे ऐसे ही सफलतापूर्वक बढ़े आखिरी सवाल डॉक्टर किरण जैसे एबीओ ब्लड टाइप होता है क्या उसमें भी आप अपील करेंगे कि कोई स्पेशल ब्लड ग्रुप है जिन्हें ज्यादा आगे आना होगा या समान रूप से सभी ग्रुप की समान रूप से हर ग्रुप के ब्लड की आवश्यकता पड़ती रहती है और आपका ब्लड ग्रुप कि आपका ब्लड ग्रुप ए है बी है ओ है हुँ, हुँ, आपको आकर आगे ब्लड डोनेट करना चाहिए चलते चलते क्या कहेंगे डॉक्टर अनिल मैं रक्तदान जीवन दान है और रक्तदान के बारे में सभी को सोचना चाहिए और करना चाहिए तो करके देखिए बहुत अच्छा लगता है क्यों ना हम बेसिकली क्यों ना हम अगर कर सकते हैं दूसरों की जान बचा सकते हैं और जिससे कोई नुकसान नहीं है जी। और रक्तदान के लिए हमें सभी को आगे बढ़ना चाहिए स्पेशली मैं अपील करूंगा हमारे जो युवा लोग हैं वो आगे आए और अपने जो देश की जो कहीं भी रक्त की कमी ना हो और जब भी जिसको जरूरत हो उसको रक्त मिले हर जगह अवेलेबल हो और ये एक एक्सेसिबिलिटी टू जो ब्लड है वो रहे है सभी जी बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने चुनौती समझ ली है कि शॉर्टफॉल सालाना तकरीबन 21 लाख का है दूसरी चुनौती कि हमें जो रिप्लेसमेंट है उसकी बजाय वॉलेंट्री डोनेशन पे बल देना होगा और जिस सरलता से आपने समझाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से ही इस चुनौती को और खासतौर पर युवा बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे इसको हम बिल्कुल समस्या का समाधान देंगे आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर किरण आपका डॉक्टर अनिल आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू वेरी मच तो लेट्स क्रिएट ब्लड रिलेशन बहुत ही कलरफुल पोस्टर्स भी होते हैं कभी कभी आप इस तरह के पोस्टर्स देखते हैं तो आपका मन करता है चलो रक्तदान करें आज सत्रह सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस एक अवसर बनता है कि ऐसे नेक कार्य के लिए हम सभी को मोबिलाइज कर सकें तो उम्मीद है कि आज ब्लड डोनेशन के विषय पर हम सभी और सजग हुए होंगे सो विश यू अ वेरी हेल्दी लाइफ एंड लेट मी रीड दिस दैट यू मल्टीप्लाई योर हैप्पीनेस बाय डोनेटिंग ब्लड थैंक्स फॉर वॉचिंग